आइए आगे देखिए, हम आगे देखेंगे। जब क्वेश्चन में ऊंचाई और आधार का मामला हो, ऊंचाई दिया रहे आधार पूछे, तो आप टैन या कॉट लगाएंगे। या आधार का मान पता हो, वृक्ष की ऊंचाई पूछे यानी लंब पूछे, तब भी आप टैन या कॉट लगाएंगे। यूज तो खैर किसी का कर सकते हैं, लेकिन ये लगाने से आपको आसानी होगी। सुनिए आगे देखिए, जब लंब यानी ऊंचाई और कर्ण मतलब दृष्टि रेखा का मामला हो, इसमें कोई एक दिया हो, तो आप साइन या कौशिक यूज कर लेंगे। जैसे ऊंचाई दिया हो और कर्ण यानी दृष्टि रेखा का लंबाई पूछे, तो आप साइन या कौशिक लगा लीजिएगा। जब आधार या कर्ण में कोई एक पता हो, तो आप कौश या सेक का यूज कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन दिए हैं हम, एक मीनार की जड़ से 20 मीटर की दूरी पर, एक मीनार की जड़ से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताना है। सोचिए आप लोग, मीनार है, पहले क्या करेंगे, एक मीनार बना लेंगे, ये वर्टिकली आपका मीनार हो गया। अब देखिए कह रहा है मीनार के जड़ से, तो मीनार के जड़ से 20 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर यानी आधार दिया हुआ है, 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है। अब बोल रहा है कि बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, इसको मिलाइए, यानी ये आपका दृष्टि रेखा हो गया, तो ये हो गया उन्नयन कोण, कितना दिया है 30 डिग्री, तो ये आपका हो गया 30 डिग्री। माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है, एच, नामकरण कर सकते हैं ए बी सी, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो बताइए यहाँ क्या बोले हैं, ऊंचाई और आधार यानी लंब या आधार में से कोई एक मालूम हो, तो टैन या कॉट लगा लेंगे। तो हमको आधार पता है, लंब यानी ऊंचाई पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, टैन लगा देंगे, टैन थीटा। कौन त्रिभुज में, संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी में टैन थीटा लगाइए, थीटा कितना है आपका 30 डिग्री। तो चलिए बोल बताइए, कोण के सामने वाला लंब होता है, लंब कितना है आपका ए बी, यहाँ ए बी और आधार क्या हो जाएगा बी सी। अब बताइए टैन 30 डिग्री का मान कितना है, कितना होता है 1/√3। ए बी कितना है, एच माने हैं आप लोग, और बी सी क्या हो गया 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका हो जाएगा यहाँ से √3 × h और बराबर 20, तो आप h निकाल लीजिए, 20/√3 पर में करण कर दीजिए, √3, तो आपका आ जाएगा 20√3 और 3। देखिए यहाँ से ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, हाइट जो हो गया इतना हो जाएगा। आगे आप मान है तो आप मान भी रख सकते हैं √3 का। चलिए आगे आप हम लोग देखेंगे बीटीसी का क्वेश्चन, ऐसे ही बनाएंगे।